हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। रात की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। हम लोगों ने एफएम में एक सुंदर सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है। तो सुनो दोस्तों, जो आपके बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको मैं लाइव क्लास में आपसे डील कराऊंगा। तब तक जितना मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रखे हैं, उन सारी चीजों को आप अच्छे से कवर कर लेना, राइट। उसके बाद भी अगर कुछ हमारा बचेगा तो हम लोग डील कर लेंगे, क्लियर। आज की क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं, आज की क्लास में अपना सुंदर सा ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसका नाम है लिवरेज। याद करो वो बचपन की बातें जब मैं आपको बोलता था कि दोस्तों पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पिलर पे टिकी हुई है। एक होता है प्रोक्योरमेंट करना और एक होता है यूटिलाइजेशन करना। प्रोक्योरमेंट में याद करो वो चैप्टर, पहला चैप्टर क्या था सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। नंबर दो चैप्टर बताओ क्या था सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर तीन चैप्टर कौन सा था सर, कैपिटल स्ट्रक्चर। और नंबर चार चैप्टर कौन सा था, लिवरेज। होप सो आपने ये सारे चैप्टर्स, ये सारी क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट वाली क्लासों में देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले बिल्डिंग ब्लॉक देखना, बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे लेक्चर देखना, बाद में आप लिवरेज में एंटर होगा, राइट। डायरेक्ट आप लिवरेज में एंटर होगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट में पुराने पुराने कॉन्सेप्ट को बेस बना के चलता हो, तो कई बार हो सकता है आपको समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको अच्छे से चीजों को समझना है तो कम से कम बिल्डिंग ब्लॉक के जो चार पांच लेक्चर बने हुए हैं वो आप YouTube पे जाके जरूर जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एग्री सर। एक बात बताओ, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर सॉरी चालू होने वाला है, उस चैप्टर का नाम वापस एक बार बताओ, लिवरेज। ध्यान से सुनना सर, पहला क्वेश्चन आता है सर, ये प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है या यूटिलाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर है। सर ये बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। क्या बात है सर, ये हमारा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। अब मेरी बात अच्छे से सुनो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी मेरी बात सुनना अच्छे से, अगर आप मेरी बात अच्छे से सुनोगे तो आधा लॉजिक तो आपको बातों बातों में समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने का काम हम फॉर्मुलिटी के बेसिस पे करने वाले हैं। मेरी बात सुनो अच्छे से। देखो दोस्तों, हर सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मेरी बात अच्छे से सुनते रहना और अच्छे से कान खोलो और सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। सर वेल्थ का मतलब क्या होता है, सुनो, वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। एग्री। अब टेंशन मतलब मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, पहले मेरी बात अच्छे से सुनो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी चैप्टर में मजा नहीं आने वाला है। और वेरी वेरी सिंपल, ये लो मैं लिख देता हूं, वेरी आप भी लिख लो, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग चैप्टर है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर वेल्थ का मतलब आपने क्या बताया था, वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव माना जाता है, एग्री कर रहे हो सर, एग्री कर रहे हैं। अब मार्केट वैल्यू का डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगेन आई रिपीट, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। और कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ साथ इन्वेस्टर है उनका एक्सपेक्टेशन देखते हैं। अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनना दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वैल्यू अच्छी होगी, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है तो वैल्यू आपकी पुअर होगी। प्लस इन्वेस्टर आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं, एग्री कर रहे हो। अब बात यह आती है कि जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं, वो एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है आपकी कंपनी की रिस्क क्या है। अगेन आई रिपीट, जैसे सपोज करो इन पहले अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टर कौन होता है सर, इन्वेस्टर वो होता है जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब मैं इन्वेस्टर से जाके पूछूंगा, ये इन्वेस्टर तुझे इस कंपनी से क्या उम्मीद है,
तो वो बोलेगा कि इस कंपनी से उम्मीद इस बात पे डिपेंड करती है कि इस कंपनी में रिस्क क्या है। अगर किसी कंपनी में रिस्क ज्यादा है तो मैं बोलूंगा भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ज्यादा होगी, और दूसरी तरफ अगर मैं बोलता हूं नहीं इस कंपनी में रिस्क नहीं है तो जो नॉर्मल मेरे एक्सपेक्टेशन होती है वो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। तो क्वेश्चन क्या है, लॉजिक समझो, वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किससे होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस से, प्लस इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन किस बात पे डिपेंड करता है, कंपनी की रिस्क क्या है, और कंपनी की रिस्क के बेसिस पे एक इन्वेस्टर डिफाइन करता है कि इस कंपनी से मुझे क्या उम्मीद है। और जो मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, किसी कंपनी में तीन प्रकार की रिस्क आ सकती है। नंबर एक होता है बिजनेस रिस्क, क्या बोला मैंने बताओ, बिजनेस रिस्क, और नंबर दो आपका होता है फाइनेंशियल रिस्क, और नंबर तीन होता है कंबाइंड रिस्क। बोलो मेरे साथ साथ अच्छे से बोलो, देर आर थ्री टाइप ऑफ रिस्क इन एनी बिजनेस। नंबर एक है बिजनेस रिस्क, नंबर दो है फाइनेंशियल रिस्क, और नंबर तीन है कंबाइंड रिस्क। हर चीज अच्छे से समझाऊंगा, हर चीज अच्छे से लिखेंगे, पहले मेरी बात को सीधा ओरली समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब सर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सर क्या कंक्लूजन, देखो आपको क्या करना है, हर एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। मार्केट वैल्यू को बढ़ाना मतलब वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और अगर हम मार्केट वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ कंपनी की रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। ये दोनों हमें साथ साथ चलाना पड़ेगा। अगर आपका काम मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, और वो रिस्क तीन प्रकार की हो सकती है, बिजनेस रिस्क हो सकती है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, और कंबाइंड रिस्क हो सकती है। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जितनी भी रिस्क है उस रिस्क को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या बात है सर, मतलब ये जितनी भी रिस्क है इस रिस्क को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके चेंज होने से आपकी कमाई चेंज हो सकती है, आपका ईपीएस चेंज हो सकता है, आपका ईबीआईटी चेंज हो सकता है। होप सो आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। पहले मेरी बात सुनो, जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, राइट? होप सो आपको आराम से चीजों को आराम से समझ पा रहे हो। ओके सर, चलो जी लिखना चालू करते हैं। ओके देखो, बेसिक समझते हैं क्या है ये। जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। बेसिक देखो, आपको पता है दोस्तों, ये है हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट का अगर हम ऑब्जेक्टिव की, अब मेरे साथ पार्टिसिपेट करो क्योंकि जो मैंने बोला है वही मैं चीज लिखाता हूं, और दिमाग में फिट करो। ऑब्जेक्टिव बताओ क्या होता है? सर इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्या बात है सर, वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। अब क्वेश्चन आता है कि सर वेल्थ का मतलब बताओ क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। क्या बात है, मार्केट वैल्यू ध्यान से सुनना, पहली क्लास वैसे भी इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। ओके, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का बताओ डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होता है? सर मार्केट वैल्यू का डायरेक्टली कनेक्शन होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। किस पे होता है? परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। क्या बात है, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है? प्लस बताओ, एक सेकंड, प्लस यहां पे लिखता हूं, प्लस 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 एक सेकंड को, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। क्या बात है सर, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है वो बताओ किस पे डिपेंड होती है? ये आपकी डिपेंडेंट बताओ किस पे होती है सर? ये डिपेंड होती है बताओ रिस्क ऑफ कंपनी। कंपनी की रिस्क क्या है? क्या बात है सर, मतलब अल्टीमेटली मुझे रिस्क पे आना था तो मैंने थोड़ा पिछले पीछे से चालू किया और मैं अल्टीमेटली बताओ कहां पे आ गया, मैं रिस्क पे आ गया। बताओ फटाफट बताओ, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? नंबर वेल्थ का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होता है? कंपनी की परफॉर्मेंस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। अब एक्सपेक्टेशन किस बात पे डिपेंड करता है? हे इन्वेस्टर तुझे कितना चाहिए?
तो मैटर करता है कि जो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर को चाहिए वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कंपनी की रिस्क क्या है। इसीलिए अगर हम ये जितना पढ़ा किसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले, तो बताओ कंक्लूजन क्या निकलता है सर? कंक्लूजन ये निकलता है कि सुनो कि मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। क्या बताओ? मार्केट वैल्यू को बताओ क्या करना सर? मार्केट वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो आपको रिस्क को क्या करना पड़ेगा सर? आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो? और ये जो रिस्क है, ये रिस्क तीन प्रकार की होती है। बिजनेस रिस्क, जिसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और दो नंबर होता है फाइनेंशियल रिस्क, और दोनों को जोड़ देते हैं तो बोथ, और बोथ को अपन बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। क्या बात है, फटाफट मेरे को बताओ तीन प्रकार की रिस्क होती है, बताओ कौन कौन सी? कोई भी बिजनेस में तीन प्रकार की रिस्क होती है दोस्तों, फटाफट बताओ। नंबर एक बिजनेस रिस्क, नंबर दो फाइनेंशियल रिस्क, और नंबर तीन बताओ क्या होती है? कंबाइंड रिस्क। अगेन आई रिपीट, देर आर थ्री टाइप ऑफ रिस्क इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। नंबर एक बिजनेस रिस्क, नंबर दो आपका दे रखा है फाइनेंशियल रिस्क, और नंबर तीन होता है कंबाइंड रिस्क। और तीनों रिस्क को आपको अच्छे से समझना जरूरी होता है। क्लियर है सर? को ऐप वापस पूरा 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 चार्ट याद करो, पूरा चार्ट दिमाग फिट कर लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? मार्केट की वैल्यू को बढ़ाना। मार्केट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क तीन प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग रिस्क, सॉरी बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, और बताओ कंबाइंड रिस्क। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें ये बताएगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन रिस्क को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यही अपने चैप्टर का निचोड़ है। हालांकि अभी और बेसिक समझाऊंगा, और बेसिक समझाते समझाते आपको पता ही नहीं चलेगा चैप्टर का, तो चैप्टर की नींव हमारी मजबूत हो जाएगी। होप सो आपने मेरे साथ साथ ये नोट डाउन कर लिया, और ये नोट डाउन करने के बाद ये टॉपिक और ये बेसिक आपको जिंदगी में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होनी चाहिए। एग्री सर? एग्री। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब सुनो, आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाता हूं दोस्तों। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा और गहराई में जाओ। सर देखो, बिजनेस करते हैं दोस्तों, बिजनेस में दो प्रकार के खर्चे आते हैं, बताओ कौन कौन से? देखो, एक होता है दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है? एक आपका होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक आपका होता है दोस्तों फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है? ओके, मेरी बात अच्छे से सुनते रहना। दो प्रकार की कॉस्ट आपकी जिंदगी में आती है, और इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाल के देखेंगे कि किस तरीके की रिस्क आपकी जिंदगी में आती है। दो प्रकार की कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। दोस्तों आपको पता है जब ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है ना, ये क्या है? ये है जब आप बिजनेस को चलाओगे, बिजनेस को चलाने पे खर्चा, बिजनेस को चलाने पे पर खर्चा। एक सेकंड रुकना यार, तो मेरे को बताओ बिजनेस को चलाने पे खर्चा, राइट? अभी मैंने क्या बोला कि भाई साहब सुनो एक सेकंड, बिजनेस को देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस को चलाने पर ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एग्री? और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो इंटरेस्ट। अगर आप एक सेकंड, पहले मैं यहां पे कुछ और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। अगर हम उधार लेके आते हैं, उधार लेके आते हैं तो हमें ब्याज चुकाना पड़ता है, राइट? एवरीबडी क्लियर? देखो बड़े बड़े पैसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं बड़े बड़े पैसे, अरे धंधा करने के लिए पैसा लाओगे या नहीं लाओगे? सर इक्विटी से लाते हैं, प्रीफरेंस शेयर से लाते हैं। देखो इक्विटी तो अपने होते हैं,
हालांकि प्रीफरेंस शेयर भी अपने होते हैं लेकिन उनको पे तो करना पड़ता है। तो अभी 8% में प्रीफरेंस शेयर को साइड में रख रहा हूं, राइट। डेट इक्विटी, यहां पर मैं डेट को ले रहा हूं, इक्विटी को नहीं ले रहा। डेट का मतलब होता है बाहर से जब पैसे लेके आते हैं, उधार लेके आते हैं, तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट, एग्री। अब सुनो, अब एक बात बताओ, जब हम बिजनेस चलाते हैं तो दो प्रकार की कॉस्ट आती है। नंबर एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट, क्या बात है सर, और नंबर दो आपका होता है फिक्स कॉस्ट, क्या बात है सर, ये भी समझ में आ गया। देर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट, नंबर एक वेरिएबल कॉस्ट, नंबर दो फिक्स कॉस्ट। अब एक बात बताओ, याद करो वो बचपन की बातें जब आपको ये पढ़ाया जाता था कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आता है। मतलब सर क्या हुआ दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट तब होगा ना जब आपके बिजनेस में सेल हो रहा है, जब आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, तभी तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। जैसे एक बात बताओ, एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी है, उसके पास आप पिज्जा खाने जाते हो, तो पिज्जा का जैसे ही ऑर्डर दिया तो उसमें मेटेरियल लगता है, लेकिन वो मेटेरियल उनके लिए खुशी का प्रतीक है। बताओ क्यों? क्योंकि वो तो आपकी सेल प्राइस में शामिल है, और वो तभी लगेगा जब ऑर्डर आएगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चलता है, अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट, याद करो वो बचपन की बातें जब आपको मैम बताती थी कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे चाहे बिजनेस चले नहीं चले, बंद पड़ा है खुला पड़ा है, आपका फिक्स कॉस्ट तो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या, रेंट। एक बात बताओ, आपके बिजनेस में आपने किराए पे गोडाउन ले रखा है, किराए पे शॉप ले रखी है, किराए पे शोरूम चल रहा है, तो क्या किराया लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा सर, ग्राहक ही नहीं आया, लगेगा। ग्राहक ज्यादा आ गए उतना ही लगेगा। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जब दो प्रकार की कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे को कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बताओ क्या लेके आता है, खुशियां लेके आता है, राइट। लेकिन मुझे रात दिन कौन कौन जीने नहीं देता, मतलब ये फिक्स कॉस्ट मुझे सोने नहीं देता, 24/7 चलता रहता है। कोविड के कारण लोगों के धंधे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन किराया कम नहीं हो रहा, ये अलग बात होती है, वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो एक अलग बात है। तो एक बात बताओ, इससे मुझे बताओ क्या है डर, ये मुझे क्या नहीं जीने नहीं देता, ये लो भाई साहब, ये मुझे जीने नहीं देता, ये मुझे जीने नहीं देता, ये मेरे लिए रिस्क है। बताओ क्या ये रिस्क है, और इस रिस्क से लड़ने के लिए, अच्छा सर, ये रिस्क कौन सी है दोस्तों? इस रिस्क को बोला जाता है बिजनेस रिस्क, और इस एक सेकंड पहले मैं ऑपरेटिंग रिस्क नाम लिखता हूं, राइट। इस रिस्क को बोला जाता है ऑपरेटिंग रिस्क, और इस रिस्क को बोला जाता है बिजनेस रिस्क, क्या बात है। मतलब ये दो प्रकार की रिस्क होती है, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क बताओ क्या होती है सर? ऑपरेटिंग रिस्क बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तब चलेगा, इसीलिए तो मैंने ऑपरेटिंग ऊपर लिखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बताओ ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण आती है? बताओ किसके कारण आती है, आप बताओ, क्या वेरिएबल कॉस्ट के कारण आती है या फिक्स कॉस्ट के कारण आती है? सर हमारी जो ऑपरेटिंग रिस्क है, ये रिस्क हमारी आती है फिक्स कॉस्ट के कारण। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का यहां पे रिस्क के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, यहां से एमसीक्यू बनता है, एग्री, क्लियर है, ओके। अब एक बात बताओ, इधर अगर हम बात करें तो अगर हम किसी से उधार लेके आते हैं तो हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट हमारा 24/7 चलता है या नहीं चलता? सर चलता है। अगर हमारा इंटरेस्ट 24/7 चलता है तो मुझे ये जीने नहीं देता है, और जब मुझे ये जीने नहीं देता तो मुझे इससे बताओ क्या है सर? इससे मुझे डर है। इस डर को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं सर? रिस्क। लेकिन इस रिस्क का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिस्क, क्या बात है सर, आराम से समझ में आ गया। तो मेरे को बताओ, देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, नंबर एक है ऑपरेटिंग रिस्क, नंबर दो आपका है फाइनेंशियल रिस्क। मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी रिस्क कहां से आती है, राइट। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो कॉस्ट होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स।
फिक्स्ड कॉस्ट के कारण बताओ क्या आती है सर? ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का जन्म ही फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है, जिससे मुझे डर है, उस डर से लड़ने के लिए बताओ दो बच्चों का जन्म हुआ, ऑपरेटिंग रिस्क से लड़ना है तो इसे अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बात है। और अगर मुझे इस फाइनेंशियल रिस्क से लड़ना है तो एक बच्चे का जन्म होता है जिसे अपन बताओ क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बात है सर। मतलब ऑपरेटिंग रिस्क से लड़ने के लिए किस बच्चे का जन्म हुआ सर? ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल रिस्क से लड़ने के लिए बताओ किसका जन्म हुआ? ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, इन दोनों रिस्क को मैं जोड़ दूं, अगर इन दोनों रिस्क को एक सेकंड ना इन दोनों रिस्क को मैं कंसीडर कर लूं तो ये मेरी बन जाती है कंबाइंड रिस्क। और कंबाइंड रिस्क से लड़ने के लिए एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है जिसका नाम है कंबाइंड लिवरेज। क्या बात है सर। मतलब सर आप हमें ये बताना चाहते हो कि तीन प्रकार की रिस्क है और उन तीन प्रकार की रिस्क से लड़ने के लिए तीन बच्चों का जन्म होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और बताओ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज। और ऑपरेटिंग रिस्क का जन्म सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? बिजनेस रिस्क। वापस अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग रिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? बिजनेस रिस्क। क्योंकि ये बिजनेस करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? तो बताओ फटाफट बोलो मेरे साथ, एक पूरा चार्ट कंप्लीट करो। बिजनेस में दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं। अब देखो इधर देखो मेरी तरफ, आप अपने नोट्स की तरफ नहीं देखोगे। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स। फिक्स के बारे में बात, वेरिएबल कोई डर नहीं है, कोई हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन फिक्स कॉस्ट से डर है, इस डर को बोलते हैं बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क। और इससे लड़ने के लिए बताओ किसका जन्म होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमें देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अब इस इंटरेस्ट के डर को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और इस फाइनेंशियल रिस्क से लड़ने के लिए एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल लिवरेज। जब मैं दोनों रिस्क को शामिल कर देता हूं तो बन जाती है कंबाइंड लिवरेज। और कंबाइंड रिस्क कंबाइंड रिस्क और कंबाइंड रिस्क से लड़ने के लिए बताओ किस बच्चे का जन्म होता है? आपका कंबाइंड लिवरेज का जन्म होता है। क्या बात है सर, हमें बहुत अच्छे से इज्जत के साथ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से लॉजिक के साथ समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम तीन प्रकार के रिस्क देखेंगे और इस चैप्टर में हम लोग बताओ क्या देखेंगे? तीन प्रकार के लिवरेज पढ़ने वाले। ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है ना, यही आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी क्या बोला, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया जाता है कि बताओ ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण आती है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये हमारी फिक्स कॉस्ट के कारण आती है। क्लियर है सर? सर एकदम 100% क्लियर है। आ जाओ दोस्तों अब आगे चलते हैं। सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो, सर आप हमें बोल रहे हो लिवरेज 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 लिवरेज, सर लिवरेज का मतलब बताओ ना क्या है? What do you mean by leverage? ये तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अब आप हमें ये बताओ कि लिवरेज का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अगले 5 मिनट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिवरेज का मतलब। क्लियर है सर? ओके सर क्लियर है। राइट, सुनो सुनो दोस्तों, बात आती है लिवरेज। होप सो आपने पहले वाला नोट डाउन कर लिया होगा। ओके सर, देखो आपने बोला, एक सेकंड को मैंने अभी क्या बोला, अभी सेवा करवाता हूं। सुनो, अगर हम सेवा की बात करें, अगर हम सेवा की बात करें तो बताओ तीन प्रकार की रिस्क होती है सर। ऑपरेटिंग रिस्क, जिसका दूसरा नाम होता है बिजनेस रिस्क, जिसका दूसरा नाम बताओ क्या होता है? बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। ओके, अब इस रिस्क से लड़ने के लिए बताओ कौन आया? ऑपरेटिंग लिवरेज। इस रिस्क से लड़ने के लिए बताओ कौन आया? फाइनेंशियल लिवरेज। और इस रिस्क से लड़ने के लिए कौन आया? कंबाइंड लिवरेज। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन आप हमें बताओ लिवरेज का मतलब क्या है? तो सुनो अगला बताओ अपना क्या आएगा? सर अपना आएगा लिवरेज मतलब बताओ क्या होता है। सुनो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फ्लुएंस, या हम इसको बोल सकते हैं पावर। एग्री सर? इन्फ्लुएंस और पावर मतलब क्या कि देखो दोस्तों आपको पता है
हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस। दोस्तों दुनिया भर के फाइनेंशियल वेरिएबल होते हैं, दुनिया भर के फाइनेंशियल वेरिएबल होते हैं। अब यहां पे क्या आता है? ये बोलता है किसी एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम इस इफेक्ट को देखते हैं, जब हम इसके रिलेशन को देखते हैं, इस रिलेशन को देखने का जो नजरिया होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लिवरेज। अगेन आई रिपीट, मतलब सर फाइनेंशियल लिवरेज मतलब देखो दोस्तों, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं और ये वेरिएबल जैसे मान लो सेल वॉल्यूम हो गई, ओके एक सेकेंड, सेल वॉल्यूम हो गया, आपका आउटपुट हो गया, आपका ईपीएस हो गया, आपका ईबीआईटी हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया, ओके तो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब लिवरेज क्या बोलता है? लिवरेज बोलता है कि किसी एक फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस किसी एक, अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोला मैंने, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर इज इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, सुनो, जैसे सपोज करो दोस्तों एक है प्रॉफिट और एक है सेल्स, ये दो वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ये है प्रॉफिट और ये है सेल। मैंने सेल को पूछा या सेल या सॉरी मैंने प्रॉफिट को पूछा, बता प्रॉफिट तू कितना चेंज होगा, तो ये बोलता है कि भाई साहब देखो अगर सेल ज्यादा होगी तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, या मेरी सेल कम होगी तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट और सेल दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज होता है। इसका मतलब अगर सेल सेल में मूवमेंट आ रहा है, सेल ऊपर नीचे हो रही है, तो बताओ प्राइस भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ता है उसे हम लोग बताओ क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग बोलते हैं लिवरेज। अब एक बात बताओ, क्या दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं। देखो ये जो आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट डिपेंडेंट है, बताओ किस पे? सर ये डिपेंडेंट है सेल पे। इसका मतलब सेल क्या हो गई सर? ये अगर हम बात करें, ये तो हो गया डिपेंडेंट और ये बताओ क्या हो गया इंडिपेंडेंट, क्या बात है सर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। बताओ क्या बोला मैंने, मेरे को बताओ, अगर लिवरेज के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल लिख सकते हो, इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर इज इंडिपेंडेंट, राइट एवरीबडी? जैसे मैंने प्रॉफिट और सेल का बोला तो प्रॉफिट क्या है डिपेंडेंट और सेल बताओ क्या है इंडिपेंडेंट, एग्री कर रहे हो? तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर इज इंडिपेंडेंट। याद करो वो बचपन की बातें सर, कौन सी बचपन की बातें सुनो, याद करो अपन लोग क्या पढ़ते थे सर? हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते थे, याद है सर? हमें याद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे सर? पढ़ते थे। बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था सर? उसका फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही होता था। डिवाइड बताओ क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन बोलो प्राइस, राइट? अब एक बात बताओ, यही तो मैम आपको बोलती थी 11th क्लास में कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। मतलब ये यहाँ पे डिमांड और यहाँ पे प्राइस, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज होती है, तो ये बताओ क्या हो गया सर? ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया आपका डिपेंडेंट, रिश्ता वही सोच नहीं। यहाँ पे अपन लोग फाइनेंशियल वेरिएबल में इफेक्ट को देखते हैं कि एक फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में क्या चेंज होगा, राइट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे भी अपन क्या पढ़ते थे? यहाँ पे भी अपन ये पढ़ते थे कि डिमांड में चेंज होगा। मैंने डिमांड से जाके पूछा, हे डिमांड तू कैसे चेंज होगी, तो वो बोलता है मैं चेंज नहीं होती, प्राइस के कारण में चेंज हो जाती हूँ, तो मैं तो प्राइस पे डिपेंड हूँ, और प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, तो प्राइस इंडिपेंडेंट और डिमांड डिपेंडेंट,
ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिवरेज में लगाया है कि जब दो फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और अदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिवरेज। और इसको एक वर्ड में बोल दिया इन्फ्लुएंस। एक चेंज होने से मैं कितना चेंज होता हूँ, राइट एवरीबॉडी क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। स्टार्टिंग से अगर चलेंगे वापस एक बार समरी बनाओ, चैप्टर तैयार है, समरी बनाओ, बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ, अब बोलो, एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। बताओ वेल्थ का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है? सर कंपनी की परफॉर्मेंस में। इन्वेस्टर आपसे क्या उम्मीद करके चलता है? इन्वेस्टर आपसे क्या उम्मीद करके चलता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी में रिस्क कितनी है, राइट? इसी तरीके से अगर हम पढ़े तो रिस्क तीन प्रकार के हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क जिसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और दोनों को जोड़ दो तो कंबाइंड रिस्क आ जाती है। और अगर ये तीन रिस्क आती है तो तीन बच्चों का जन्म होता है इन रिस्क को संभालने के लिए। बिजनेस रिस्क को संभालना है या ऑपरेटिंग रिस्क को संभालना है तो ऑपरेटिंग लिवरेज, नंबर दो फाइनेंशियल लिवरेज, नंबर तीन कंबाइंड लिवरेज। उसके बाद मैंने बताया लिवरेज कितने प्रकार का होता है। लिवरेज इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। होप सो दोस्तों आज की क्लास आपके दिमाग में चली गई है। अगली क्लास में और कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि वापस उसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आपके दिमाग में फिट हो जाए। बाय बाय, टेक केयर आज के लिए, और अगली क्लास में बने रहना, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन स्टार्टिंग दो तीन क्लास अगर नहीं देख पाते हैं तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है? डन। बाय बाय, टेक केयर।